चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा यार महमूद साहब यार अच्छे खासे एसी में बैठे हुए थे उठा के बाहर ले आए इस हब्स में यार नबील सारा दिन एसी में बैठ बैठ के भी हड्डियां जम गई हैं। हाँ तो आप चूल्हे पर बैठ जाएं बशीर महमूद नहीं महमूद पर बैठने को नहीं कह रही चूल्हे पर बैठने को कह रही हूँ हाँ धोती है वैसे यार पूरे घर के पंखे लाइटें और एसी खोल के आप लोग बाहर बैठे हुए जानू महमूद साहब की बूढ़ी हड्डियों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है वरना हम लोग तो आराम से एसी में बैठे हुए थे तुम्हें पता बिजली का बिल कितना है पूरे 50,000 रूपए 50,000 जी अब बताइए बिल कौन भरेगा पापा जी और कौन और 50,000 रुपया तो उनके हाथों की मैल है अभी मंगवाता हूँ क्या मैल और नहीं यार मैं मुसा 50,000 रुपया पुत्र 20-30,000 रुपए ज्यादा मंगवा लें जी नहीं कोई पापा जी को फोन नहीं करेगा ये बिल आप लोग सब देंगे और आज ही क्योंकि आज बिल भरने की आखिरी डेट है मगर खूबसूरत ये 50,000 रुपया हम लाएंगे कहाँ से ये तो आप लोगों को पहले से सोचना चाहिए था मैं पापा से बिल्कुल नहीं मंगवाऊंगी शकीला बात सुन फरजाना ओए माँ जी माँ जी वो खूबसूरत है हाँ तूने इस डैन को खूबसूरत कह कह के ना सिर पे चढ़ा रखा है कुछ सोचो नबील शाम तक हम 50,000 रुपए की रकम कहाँ से लाएंगे सोचना क्या है महमूद साहब एक आधी आपकी किडनी बेच देते हैं मगर तुम एक आधी बेचोगे वो मेरी किडनी होगी हाँ जी अब चाहिए और नहीं यार महमूद साहब चले उठे यार कोई जुगाड़ लगाते हैं यार वो जो हमने करनी है वो जुगाड़ है हाँ जी तो अच्छा जी फिर चलो जी आज वो मुस्तकीम मलक साहब जल्दी आना है आपने अरे कहाँ से आएंगे पैसे अरे कुछ सोचो यार नबील लो जी महमूद साहब क्या मेरी बात गौर से सुने क्या अब एक आएगी कार वहां से अच्छा और सड़क के बीच में लाश देकर रुक जाएगी लाश अरे लाश तुम कहां से लाओगे नबील तो आप किस खेत की मूली हैं भाई अरे मूली वूली नहीं हूं मैं महमूद साहब हूं और मैं तुम्हारे ये फजूल प्लान में बिल्कुल साथ नहीं देने वाला ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आप कौन से कुछ सचमुच की लाश बनने वाले हैं आपको सिर्फ लाश की एक्टिंग करनी है और गाड़ी रुकने की बजाय अगर मेरे ऊपर से गुजर गई तो फिर तो मैं गाड़ी के मालिक से आपके खून बहा के तौर पर 50,00,000 रुपया लूंगा महमूद साहब अरे मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब मजाक कर रहा हूँ यार क्या हो गया आपको महमूद साहब गाड़ी आ रही है आए लेटे चलो अब्बाजी हमें छोड़ के क्यों चले गए अब्बाजी क्या हुआ इनको आप प्लीज सबर से काम ले हाँ क्या हुआ था आपके अब्बा जी को बैठे थे यूं रखे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कल मेरे अब्बा जी एक शादी में गए हैं वहाँ 20-25 लोगों का खाना खा लिया बस फिर बाथरूम जा रहे थे आ रहे थे सारी रात इसमें गुजर गई और सुबह इंतकाल कर गए और मेरे पास इनको दफनाने के लिए पैसे नहीं है आप रोए मत मैं आपको पैसे दे देती हूँ कितने पैसे लगेंगे 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जनाजा बड़ी धूम से होना चाहिए अपने स्वयं का मेन्यू डिसाइड करके गए हैं मुझसे वादा लिया कि 3 तो मीठे बनवाना मैंने कहा जैसे आप कहेंगे अब्बा जी मेरे अब्बा जी जिंदा होंगे ये क्या बदतमीजी है मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ ये इस कुत्तकुन्ने का आइडिया था मैं तो सिर्फ लाश बनाता और लाश भी ठीक से बन नहीं पाए आप यार किसी काम के नहीं है आप देखें आप हमें ना पुलिस के हवाले मत कीजिएगा हम बड़े जरूरतमंद हैं मैं तुम लोगों को 1.5 लाख की बजाय 10 लाख दूंगी लेकिन बदले में आप लोगों को किडनैपिंग करनी होगी किडनैपिंग किसकी मेरी अच्छा गौर से मेरा प्लान सुनो जी जी
चाची बड़ी देर हो गई है नबील और महमूद साहब घर ही नहीं आए। ले तूने तो उन्हें पैसों का बंदोबस्त करने के लिए भेजा था रुखसाना, पता नहीं किस सिग्नल पर मेरा मियां बैठा भीख मांग रहा होगा। माँ जी जानू हम लोग आ गए। कहाँ थे आप लोग और ये लड़की कौन है नबील? हाय कितनी प्यारी बहू लेकर आए तू मेरी। आपकी बहू मैं हूँ माँ जी। मुझे अपनी नई वाली बहू ज्यादा पसंद है। चल भाई सामान बांधो अपना, हम इसके घर जाके रहेंगे। पुत्र इसके अब्बा ने नवा बंगला तो लिया हुआ है ना हमारे लिए। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपकी बहू नहीं है। हाय मुस्तकीम, इसका मतलब है ये कफील की नहीं तो आपकी वो है। अरे किसी की बीवी नहीं है ये रीमा है। माँ तो फिर मैं भी रेशम हूँ बच्चू। नबील सच सच बताओ कौन है ये? तुम तो पैसों का इंतजाम करने गए थे ना, कहाँ है पैसे? जानू पैसों का इंतजाम हो गया, 50,000 नहीं पूरे 10 लाख का बंदोबस्त हो गया। 10 लाख कहाँ से आए हैं? क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं जानू, मामूली सी छोटी सी एक किडनैपिंग की है। क्या आप लोग इस लड़की को किडनैप करके घर ही ले आए? मैं अभी बट साहब को फोन करती हूँ। जी नहीं, मैं खुद किडनैप होके यहाँ आई हूँ। बिस्मिल्लाह शाबाश है भाई, ये तो खुद यहाँ वो होके आई है। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है लेकिन वो बहुत कंजूस हैं। चाय में मक्खी भी गिर जाए ना तो भी चूस के फेंक देते हैं। क्या चाय? नहीं मक्खी, चाय तो वो खुद पी जाते हैं। इतना कंजूस आदमी 10 लाख कैसे देगा? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरे लिए तो वो 20 लाख भी दे देंगे। 20 लाख? हाँ 10 लाख मेरे, 10 लाख आप लोगों के। नबील मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इस लड़की को इसी वक्त इसके घर छोड़कर आओ। जानू महमूद साहब मैं खूबसूरत को समझाता हूँ, जब तक आप रीमा का ख्याल रखें। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं हूँ ना रीमा के साथ। और मैं हूँ आपके साथ कामरान। नबील मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करने दूंगी। जानू तुम वैसे वैसे भी ऐसी वैसी हरकत कहाँ करने देती हो? मैं किडनैपिंग की बात कर रही हूँ नबील। जानू तुम यही चाहती थी ना मैं काम करूँ, देखो कितना बड़ा काम किया मैंने, पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। हाँ और अगर पकड़े गए ना तो 10 साल के लिए अंदर भी जाओगे। तो लो रोजी के लिए कितने हाथ पाँव मारते हैं जानू, और कहीं जाके रोजी मिलती है यार, मुझे घर बैठे मिल रही है। और तुम चाहती हो मैं जाने दूँ इसको? रोजी? तुमने रीमा के साथ साथ किसी रोजी को भी किडनैप किया नबील? ओ नहीं जानू मैंने किसी रोजी को किडनैप नहीं किया यार, कैसी बातें कर रही हो, ये रीमा जो है खुद किडनैप हो गया है, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है फिर जो करना है करो, याद रखो कि इस बार अगर तुम फंसे ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वैसे जानू मैं सोच रहा था कि पैसे मिलते ही हम लोग वर्ल्ड टूर पे चले। 10 लाख पे वर्ल्ड टूर नहीं हो सकता नबील। ओ जानू तो क्या हुआ यार, बाकी का ट्रिप जो है वो पापा जी स्पॉन्सर कर देंगे, अब क्या सब कुछ मैं ही करूँ? पापा जी का कोई फर्ज नहीं बनता। शरत नबील। ओके जानू जानू अब आओ ना, रीमा के बाप को फोन करके उससे तावान मांगते। मैं ना आपके लिए गरम गरम जूस बना के लाता हूँ, ठंडा ठंडा। और मेरे लिए गन्ने का जूस फरकान। लो जी जानू किडनैपिंग का मान लिया, किडनैपिंग को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र तू फिक्र ना कर, इस रीमा को कुट लगा लगा के ना मैंने मीरा बना देना है। अरे तुम्हें रीमा पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ शफीक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ना इसको होंकी से मारूंगी। नबील मैं इस घर में किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ माँ जी मारना नहीं है यार, ये झूठ मूठ की किडनैपिंग है यार। तुम लोग ना मेरे पापा को जानते नहीं हो, अगर मुझे एक भी खराश आई ना तो तुम सब लोगों की चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम फिकर नहीं करो रीमा, मेरे होते हुए यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, कंट्रोल करें कंट्रोल करें। ये मेरे ना पापा का नंबर है, ठीक है उनको कॉल करें और आप तावान की रकम मांग सकते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तुम टेंशन नहीं लो, बिल्कुल हम पक्के खिलाड़ी हैं। महमूद साहब तो गांव में जो है वो बच्चे अगवा किया करते थे, क्यों महमूद साहब? लो मेरी तो आवाज सुनकर तुम्हारे पापा जो है ना थर 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 कांपेंगे। हाय मसूद, मासूम बच्चों को तूने अगवा किया, कीड़े पड़ेंगे तुझे वड़े वड़े। जितना जल्दी हो सके ये सब ड्रामा खत्म करें, वरना मैं भट्ट साहब को खुद फोन करके बुला लूंगी। फिलहाल तो तुम एक काम करो, मेरे लिए जूस लेकर आओ, मैं जरा कमरे में जाके रेस्ट कर रही हूँ। राइट ओके ओके, आप रेस्ट कर ले, आप रेस्ट कर ले रीमा जी। नबील मैं किसी के लिए जूस वूस नहीं बना रही, और ये मेरे कमरे में क्यों गई है? वो जानू 10 लाख का सवाल है तुझे, अल्लाह का वास्ता उसके लिए जूस बना ले, जब तक हम इसके कंजूस पापा को फोन करते हैं। आए लॉन में आए, आए लॉन में आए।
और दिखा वे। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर आ गया है, ये सही माल डिलीवर करना है, समझ आई तेरे को? हाँ। और 500 छुरिया ये वाली है, चल जा शाबाश काम पे लग। नबील मैं बात करता हूँ। यार महमूद साहब कोई भंड ना कर दीजिएगा यार, लड़की के बाप को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने खतरनाक और एक नंबर के कमीने लोग हैं। नबील ओ यार महमूद साहब, तभी तो उसके बाप को यकीन आएगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। अरे तुम फिक्र ही ना करो नबील, मैं उसके बाप के साथ ऐसी बात करूंगा कि वो 20 लाख की बजाय 20 करोड़ रुपया देकर जाएगा हमें। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ओ यार महमूद साहब हाल चाल क्यों पूछ रहे हैं? ओ हमने तवान मांगने हैं उससे यार। और कौन है बे? अब देखिए भाईजान, हम बहुत ही गरीब मस्कीन जरूरतमंद लोग हैं, प्लीज हमें 20 लाख रुपए दे देना। ओ यार महमूद साहब बंद करे यार, आपको तो तवान मांगना भी नहीं आता यार। मैं डायल करता हूँ, पढ़े इसको, मैं बताता हूँ तवान कैसे मांगते हैं। हेलो हेलो, हाँ सुन बे, तेरी बेटी जो है ना रीमा, वो हमारे कब्जे में है, 1 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख का इंतजाम कर ले, वरना तेरी रीमा का कीमा बना देंगे। थोड़ी देर में तुझे भेज रहा हूँ मैं एड्रेस, चल। और तुझे पता नहीं है तू बात किससे करी है, और जानता नहीं है तू मुझे? हाँ। और मुझे पता है तू कौन है, तू एक मजलूम लाचार बाप है, बस दैट्स इट। और सुन, होशियारी नहीं करना वरना तेरी बेटी के साथ तेरा काम भी तमाम कर देंगे। चल रख फोन। मामू साहब कैसा? क्या बात है, कैसा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं और काफी अंदर आ चुके हैं। देखो रीमा, मैं तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से जूस बना के लाया हूँ, यहाँ तुम्हें ना किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू अंकल। अंकल, अरे भाई मेरे चेहरे की पुख्तगी जो है ना, ये खानदानी है, वरना उम्र इतनी नहीं है मेरी। महमूद साहब आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो मैं देखने ही आया था कि रीमा जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये बुड्ढा कब से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? क्या घटिया आदमी, हर जगह अपना बड़ा सारा मुंह लेकर आ जाते हो यार। खुदा का नाम माने महमूद साहब, क्या हो गया आपको? रीमा से सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ। क्यों रीमा? देखो मेरे भाई, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि तुमने मेरे पापा को फोन किया या नहीं। हाँ बात हो गई है, बस तुम्हारे पापा आते होंगे आप पैसे लेकर। क्या तुम लोगों ने उनको यहीं बुला लिया? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। अरे तुम्हारे पापा हमें नहीं जानते, हम कौन है? और महमूद साहब का डसा तो पानी नहीं मांगता। आने दो, मजा चखा देंगे तुम्हारे पापा को। वो जो हम मिलकर चखाएंगे वो मजा होगा, जहर होगा। अच्छा जी, तुम लोगों को पापा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे सोचने का मौका दो। निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अच्छा, रीमा जी इजी, आ जाओ, आ जाओ, इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, इजी 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 इजी। ये क्या कर दिया इन्होंने? तू फिर आ गया, पिछली बारी तूने मकसूद का कुर्ता घुमा दिया था ना, अब की बारी मैंने तुझे कपड़े नहीं देने। ओए, और मैं तुझे धोबी नजर आ रहा हूँ। शक्ल से तो तू मुझे वो लगता है। वो क्या? वो जो टीवी में आते हैं। क्या हीरो? चुप, हीरो नहीं, उसका ड्राइवर ज्यादा लगता है तू। और ड्राइवर नहीं हूँ मैं, अपनी जाती कार में आया हुआ। हाँ, मुझे तो तू कार्टून लगता है। और मेरे साथ ज्यादा मस्खरी नहीं करियो। चापड़ भाई है मेरा नाम, चापड़ भाई, कोट पीट के रख देता हूँ। छुरी चाकू की फैक्ट्री है मेरी। हाँ। लेकिन हमें तो कोई छुरी चाकू नहीं खरीदना भाई। मैं कोई चाकू वाकू बेचने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। हाय संदी जी, आप बहू को लेने क्यों आ गए हैं? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ जिसे तुम लोगों ने अगवा करके रखा है। कहाँ है मेरी बेटी बताओ? हाँ तो सीधा सीधा बोल, प्रवीण को लेने आया है। अरे मैं अपनी बेटी रीमा को लेने आया हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, चल अंदर आ जा। यार नबील एक बात तो बताओ,
ये 10 लाख में मेरा और तुम्हारी माँ का हिस्सा कितना होगा? यार महमूद साहब माफी कर दे यार, अभी गांव बसा नहीं है, आप पहले पहुंच जाए लूटने। ओ यार खुदा का वास्ता यार, अभी सब्र तो करें। वसीम वसीम, देख पापड़ भाई आ गए अपनी बेटी लेने के लिए। तुम जानते नहीं हो मैं भाई हूँ भाई। अरे हाँ ना, हम सब आपस में भाई भाई तो हैं। वो मैं बता रहा हूँ, मैं सचमुच का भाई हूँ, भाई लोग हूँ मैं, और चापड़ भाई नाम है मेरा। 10 कतल किए 10 कतल। दस कतल। और ऐसे ही दुनिया मुझे चापड़ भाई के नाम से नहीं पुकारती है। देखना चापड़ भाई अपनी खुशी से जो देने देने, क्यों अतिया क्या कहती है? मुझे तो पहले ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था नबील। अब सच सच बताओ, किसने अगवा किया है मेरी बेटी को? मेरा ख्याल है नबील, अब तुम अपना गुनाह कबूल कर ही लो, तुम्हारे बचने के चांसेस कोई नहीं है। तो मैं कौन सा गुनाह कबूल कर लूं भाई? किडनैपिंग का आइडिया तो इनकी अपनी बेटी का था, हंसी खुशी किडनैप हो गया आई थी इस घर में। अब बकवास बंद करो। अरे मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? और मैं बता रहा हूँ उसकी तो कल शादी है। हाय सीमा, अपनी शादी से भाग आई है इधर। आओ, मैं सीमा की नहीं अपनी बेटी रीमा की बात कर रहा हूँ। होय, तेरी दूसरी बेटी भी भाग गई है ना, तू तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे मेरी एक ही बेटी है, कहाँ है मेरी बेटी, बुला उसको, वरना एक एक की गर्दन उठा के घर के कोने कोने में सजा दूंगा। आप चापड़ भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपकी बेटी यही है, कमरे में मौजूद है, आराम कर रही है। आ जानू, आओ हम लेकर आते हैं, आ जाओ रीमा को हम लेके आते हैं। बैठिए चापड़ भाई, बैठिए जल्दी आना। तुम इधर आओ मेरे पास। रीमा जानू, नबील, रीमा जी वो लड़कियां नहीं है नबील। जानू ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहता तुम भरी जवानी में बेवा हो जाओ और चांदी मेरे प्यार को तरसे और तुम्हारे मुकद्दर में ठोकरें लिख दी जाए। जानू मैं कोई ठोकरें नहीं खाऊंगी नबील। जानू मैं उस बड़े मुंह वाले नाग की बातों में आ गया था। जानू उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुझे माफ कर दो जानू, मुझे बचा लो जानू, मुझे बचा लो प्लीज। देखो नबील, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो जानू। क्या? देखो जानू मैं प्लान देता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पापा जी के पास चलते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं चाहता हूँ मैं बाकी की जिंदगी जो है ना वो पापा जी की खिदमत करते हुए गुजारूं। हरगिज नहीं, तुम अभी बाहर जाके उस आदमी को बताओ कि उसकी बेटी भाग गई। संग दिल औरत, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है अपने शौहर का। याद रखना, अगर मैं मर गया ना तो मेरी रूह इसी घर में भटकती रहेगी और मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा। जानू तुम जा रहे हो या मैं जाकर बताऊं? ओके जानू मैं जा रहा हूँ। हाँ सुनो, अगर आखिरी बार तुम अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहती हो तो कर लो जानू। शट अप नबील। जानू मरते हुए आदमी को शट अप नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आओ आओ जानू। हाँ भाई किधर है मेरी बेटी? बताओ इन्हें नबील। आपकी बेटी भाग गई है। भाई किसके साथ भाग गई? कफील। नबील माजी। उच्छो, नबील ने भगाया उसे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगा दिया। अरे कल उसकी शादी थी, अब कौन शरीफ लड़का उससे शादी करेगा? वैसे तो मैं खानदानी शरीफ हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मुमताज इसकी इजाजत दे दे तो। भाड़ में क्या मुमताज, मैं आपको हरगज दूसरी वो करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम लोग मुझे हल्का ले रहे हो। ना एक मन की ओझड़ी तो सामने हमें नजर आ रही है, फिर कैसे हल्का ले सकते हैं तुझे हम। बस अब बहुत हो गया, तैयार हो जाओ तुम सब लोग। आप 2-4 घंटे यहाँ पर आराम से बैठे, हम बस यूं तैयार होके आते हैं। अच्छा अभी चलो। अरे मैं कह रहा हूँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को अगवा करके अच्छा नहीं किया, लाशें बिछा दूंगा, लाशें एक एक को काट के फेंक दूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी भले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई
कब तक चापड़ भाई से भागोगे तुम लोग? एक बात बता रहा हूँ, एक एक करके सबकी जान ले लूंगा। भाई चापड़, ये मेरा घर नहीं है, मैं इन लोगों को नहीं जानती, मैं तो मियां चुन्नू से आई हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया भाई, मुझे जाने दे। माँ जी, आप अपने बेटे को अकेला छोड़ के चली जाएंगी? चुप है, झूठ बोल रहे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। छापड़ भाई, ये देखना 5-10 साल बड़ा है मुझसे, कैसे माँ हो सकती हूँ मैं इसकी? मामा, आज तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? एक्सक्यूज मी अंकल, आप कौन? ओए सब लोग बकवास बंद करो अपनी, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, तुम सब लोग इसमें बराबर के शरीक हो। हाँ देखिए छापड़ भाई, आपकी बेटी खुद किडनैप होकर यहाँ आई थी, हो सकता है करीब में गई हो और वापस आ जाए, मुझे तो लगता है हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ी देर। अब बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत, फिर हम ना रीमा बाजी की शादी पे खूब रौनक लगाएंगे, नाचेंगे। हाँ और छापड़ भाई, महमूद साहब के ठुमके बड़े मशहूर हैं। हाँ कल जो हम रीमा बाजी की शादी पे लगाएंगे वो ठुमके होंगे। हाँ जी ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई ना, एक एक करके सबकी गर्दन उतार दूंगा। जी चलो, जी चलो अंदर, जी चलो, जी जी चापड़ भाई, 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 कैसे लोगे, कहाँ फंसा दिया है मुझे। जानू तुम ये क्या कर रही हो, तुम घर छोड़ के जा रही हो, तुम हमें छोड़ के जा रही हो? हाँ नबील, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी मरना नहीं है, उस पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं, मैंने पापा से कह के अपनी टिकट करवा ली है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी बना के रखा है शकीला, तू अपनी माँ को कैसे छोड़ के जा सकती है? शहाब मुझे संभाले, मेरी बेटी जा रही है। अरे संभाले संभाले, बस कर दे माँ जी, मुझे पता है आप एक्टिंग कर रही हो। ओए दूर फिटे मुंह, शर्म नहीं आती हम सबको मरने के लिए छोड़ के जा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? देखो खूबसूरत, तुम अपने पापा से बात करो, उन्हें कहो कि हमें भी वहां बुला लें, हम कसम खाते हैं कि तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन महमूद साहब आपको और नबील को नौकरी करनी पड़ेगी और खाना हमेशा माँ जी बनाएंगे, मंजूर? मंजूर है जानू, तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। चले ना जी, हम अपना सामान पैक करते हैं। मनीर महमूद ना, महमूद का सामान भला हम क्यों पैक करेंगे? मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, भाग रहे हो तुम लोग, तुम लोगों की गर्दन यही उतारूंगा, जो सबसे पहले मरना चाहता है वो आगे आ जाए। अच्छा तो तू सबसे पहले मरना चाहता है? चाचड़ भाई, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, यही को 60-65 साल। अरे अभी तो मैं सिर्फ 38 का हूँ। शुक्र आपका 38 वाला बड़ा मुंह बड़ा याद आएगा मुझे। मैं आ गई, अब मुझे पता चला मोहब्बत अंधी होती है। रिवा तूने शादी कर ली, मुबारक हो छापड़ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो छापड़ भाई, आपकी बेटी की शादी हो गई। चुप करो, अरे इसने भाग के शादी कर ली, मेरी इज्जत खाक में मिला दी और तुम लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ सजा तो मिलेगी, लेकिन इन दोनों के नहीं, तुम सबको मिलेगी। शाबाश भाई, बेटी तेरी भागी है, हमें क्यों सजा मिलेगी है? मैं अपनी बेटी और दामाद की जान तो नहीं ले सकता ना, लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ मार रहे आराम है तुम लोगों को। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते।